दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। पांवटा साहिब में गत शनिवार देर शाम लगातार कई घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद शिलाई व पांवटा पुलिस ने पांवटा साहिब के बार नंबर 9 से 9.6 ग्राम स्मैक सहित महिला संगीता उर्फ गीता को गिरफ्तार कर लिया है। यह स्मैक महिला के घर से बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार यह मात्रा ज्यादा भी हो सकती थी, पर महिला ने चालाकी से कुछ ड्रग्स को फ्लश में बहा दिया। इस दौरान पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे की तस्करी के मामले में महिला पहले भी लगभग 1.5 साल कारावास काट चुकी है। ये भी पता चला है कि कुछ समय पूर्व शिलाई क्षेत्र के कफोटा में पुलिस ने युवकों को स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। जी सर, पुलिस स्टेशन शिलाई के अंतर्गत 25 जून को कफोटा क्षेत्र में 3 युवकों से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7.35 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इसी में ही पुलिस ने उन आरोपियों की निशानदेही के आधार पर देवीनगर पांवटा साहिब में छापेमारी की और एक महिला से 9.69 ग्राम स्मैक बरामद की है, जो कि इस केस में कुल 17 ग्राम से ऊपर स्मैक जो है बरामद हुई है और इसमें पुलिस फर्दर जांच कर रही है। उस महिला को हिरासत में लिया गया है और अंततः कार्रवाई उसमें जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।